देखिए बच्चों, कल हमने अध्याय एक संख्या पद्धति खत्म कर दी। आज हम दूसरा अध्याय बहुपद प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखा होगा। इसके गुणनखंड भी सीखे होंगे और कुछ समीकरण भी सीखी होंगी, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसी प्रकार से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। और भी है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई x प्लस वाई। ये सारे आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐसे बहुपदों को बताएंगे कि एक चर के, दो चर के जो बहुपद आएंगे उसके विषय में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित पहली प्रश्नावली इसमें 2.1, इसका सवाल हम देखते हैं। इसमें पहला सवाल ये दिया हुआ, निम्न में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। देखिए लिखते हैं। देखिए पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए इसमें जो चर संख्या है, वो चर पद जो है, दो पद हैं इसमें चर में, लेकिन चर एक ही है x। चर क्या है? x। तो ये एक चर का हुआ, दो चर का है, ये एक चर का बहुपद, ये एक चर यहाँ लिख देंगे, एक चर। अच्छा, सेकेंड वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इसमें भी वाई चर है बस, तो ये भी एक चर का हो गया। थर्ड में 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ये बताइए। देखिए बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण घात होनी चाहिए, धनात्मक। अगर नहीं है तो वो चर बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है। फोर्थ में देखिए आप वाई प्लस 2/y, ये बताइए। देखिए इसमें y की घात बटे में, चूँकि y बटे में है तो ऊपर जाएगी, तो माइनस की 1 हो जाएगी। और बहुपद के लिए क्या, धनात्मक घात होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी बहुपद नहीं है। इसके बाद फिफ्थ, इसमें x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, ये बताइए इसमें कितने चर हैं। इसमें देखिए ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर, तीन चर हो गए। तो यहाँ लिखा है तीन चर वाला बहुपद। तो इस तरीके से हम बहुपद का ये पता कर सकते हैं कि एक चर का है या दो चर का है, तीन चर का है। निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। फर्स्ट 2 + x² + x, सेकंड 2 - x² + x³ π/2 x² + x, √2 x - 1। देखिए इसमें x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है, कोई संख्या नहीं होती तो एक माना जाता। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें माइनस 1 हो जाएगा। मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 1 है, इसमें मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा 2 है, इसमें मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। तो इस तरीके से ये दो सवाल प्रश्नावली 2.1 के हमने कराए। बाकी सवाल अब कल कराएंगे, आज बस इतना ही। थैंक यू।